आजकल दुनिया में कुछ ऐसा ट्रेंड आ गया है कि हर आदमी एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ में है और इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, जिसकी वजह से उन लोगों का पीछे रह जाना नॉर्मल है जो खुद में उतना कॉन्फिडेंट नहीं रहते या अपनी बात कहने से कतराते हैं। कहने का मतलब है कि अगर लोग आज आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, आपको नहीं पहचान रहे, तो आप कहीं ना कहीं सक्सेस से बहुत दूर चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आपने देखा होगा कि आपके दोस्त आपके साथ में खड़े होते हुए भी आपके बातें ध्यान से नहीं सुनते, लेकिन वहीं पर किसी और की बातों को बड़ा ध्यान से सुनते हैं और जैसे आप बोलना शुरू करेंगे आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब यह है कि आपको अपने अंदर कुछ ऐसा बदलाव लाने की जरूरत है जिससे कि लोग आपकी बातों को सुने, दुनिया आपकी इज्जत करे, आपकी वैल्यू को समझे, आपको ध्यान से सुने और आपको इग्नोर ना करे। लेकिन सवाल ये है कि हम आखिर ऐसा क्या करें जिससे लोग हमारी वैल्यू को समझें। सो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में जिनको अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर देते हो तो लोग आपको झुक कर सलाम करेंगे। तो चलिए अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं इसके बारे में एक एक पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। नंबर वन, लोगों को ना कहना सीखो। अगर आप किसी को खुश करने के लिए, उसको कंफर्टेबल करने के लिए उसकी हर बात में हाँ मिलाते जा रहे हो तो भाई ऐसा करना आपको नीचे ले जा रहा है। लेकिन आप ना कहना सीखो। जरूरी नहीं है कि आप पूरी दुनिया को खुश रखोगे तो आप खुश रह पाओगे, ऐसा नहीं है। दूसरों को खुश रखने की चाह में आप दूसरों के हर काम के लिए हाँ पर हाँ करते जाते हो, लेकिन धीरे धीरे वे लोग आपकी बातों का फायदा उठाने लग जाते हैं और आपकी वैल्यू का कचरा होने लगता है। नंबर टू, जरूरत के वक्त ही बोलो। अगर आप जरूरत से ज्यादा बोलोगे तो लोग आपकी बातों को हल्के में लेंगे, क्योंकि लोगों को पता है ये तो कुछ भी बोलेगा, ऐसे ही बकवास करता रहेगा। मतलब कि लोग आपकी बातों को सीरियस लेंगे ही नहीं, लेकिन जहाँ पर आप सोच समझकर बोलोगे आपकी बात को सुना जाएगा। लेकिन आपके बात में दम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी मुंह से निकाल दो। इसलिए आप देखो कब बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है और क्या बोलना है। अगर आपने ये समझ लिया तो धीरे धीरे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। नंबर थ्री, पहले खुद की अहमियत को समझो। अपने आप को समझो, अपनी रिस्पेक्ट करो, तब जाकर लोग आपको समझेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। दूसरों के चक्कर में हम खुद को अहमियत देना भूल जाते हैं। आपके पास में जो कुछ भी है उसकी अगर आप इज्जत करोगे, चाहे आपकी कोई क्वालिटी है, चाहे आपके पास फिजिकल पोजीशन है, कुछ भी है, अगर आप अपनी अहमियत समझेंगे तब दूसरे उसकी अहमियत को समझेंगे। अपने कामों में एक क्वालिटी लाओ ताकि लोग आपकी वैल्यू को समझें। नंबर फोर, बार बार माफ़ी मांगना बंद करें। हम सभी लोग इंसान हैं और हमसे गलती होना भी नेचुरल है, लेकिन वही गलती अगर आप बार बार कर रहे हो तो ये गलती नहीं कहलाती। हम अगर किसी काम को लेकर लोगों से छोटी छोटी बातों पर भी सॉरी बोलना शुरू कर देते हैं तो लोगों की नज़र में हमारी इमेज भी वैसे बन जाती है कि भाई ये तो वैसे ही है। इससे भी बड़ी बात ये है कि जितनी बार आप सॉरी बोलकर दूसरों को या खुद को कंफर्टेबल करते हो तो उतना ही आपकी दोबारा गलती करने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप किसी को सॉरी बोल रहे हो तो उसको समझाओ, आपने एक बार बोल दिए उसके बाद आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है, ये आपको अपने आप में बदलाव करना है। नंबर फाइव, जो भी करो दिल से करो। जो भी काम आप करें दिल से करें। आपकी लाइफ में कोई एक सपना जरूर होगा। अगर आप पेंटिंग करते हो, आप सिंगिंग करते हो, जो चाहे आप करते हो वो दिल से करें। जब आप अपनी चीजों के साथ दिल से जुड़ेंगे तो लोग भी आपके दिल से जुड़ेंगे। नंबर सिक्स, पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाएं। बहुत से लोग हमेशा अपनी परेशानी को लेकर दूसरों के पास जाते रहते हैं, उनको लगता है कि वहाँ सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन होता यह है कि वह लोग जिनको आप अपनी प्रॉब्लम बताते हो वह उसी प्रॉब्लम को लेकर आपको छेड़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम एक बार बताई जाती है, दो बार बताई जाती है, 10 बार बताई जाती है तो लोग क्या कहेंगे, ये तो बेवकूफ है, बस इसको कुछ काम नहीं है, हमारा टाइम खराब करने आ जाता है। पॉजिटिव एटीट्यूड बनाओ। अगर आप अपनी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व नहीं कर सकते तो कोई और इस दुनिया में नहीं कर सकता। एक आदमी
वह होता है जो एक के बाद एक कितनी भी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़े फिर भी वह आगे बढ़ता रहता है। जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है लेकिन फिर भी वह कंप्लेन करता रहता है, तो ऐसी आदमी की क्या कोई लोग इज्जत करेंगे, ये आप खुद ही सोचें। नंबर 7, अपने कॉम्पिटिटर की हमेशा प्रशंसा करें। आप जो भी हो, जिस भी लेवल पर हो अपनी लाइफ में, जब आप आगे बढ़ोगे तो धीरे धीरे आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स बनेंगे। आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को दुश्मन नहीं समझना है, आपको उनकी बढ़ाई करनी है। आपको ऐसा ढूंढना है कि ऐसा क्या है उसमें कि वे आपसे आगे है या आपके कॉम्पिटिशन में है या आपकी बराबरी में है, और ऐसा क्या है कि वो जो नहीं कर रहा और आप करके उसे आगे निकल सकते हैं। भले ही आपके मन में ऐसा हो कि यार ये आगे कैसे निकल गया, मैं इसको कैसे पीछे छोड़ूं, जो कि एक ह्यूमन नेचर है, लेकिन आपको कभी भी उनकी बुराई नहीं करनी है, हमेशा उनकी प्रशंसा ही करनी है। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है और आप देखना आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वे भी आपकी बढ़ाई करना शुरू कर देंगे और आपके फ्रेंड बन जाएंगे और आपकी वैल्यू करने लगेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 8, विनम्र रहो। आपके दफ्तर में ऐसा कोई ना कोई बॉस आपको जरूर मिला होगा, या कभी आपके कॉलेज में कोई ऐसा टीचर होगा, या आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर होगा जिसके सामने कोई कुछ बोलता नहीं है लेकिन पीठ पीछे बोलते हैं। जी हाँ, हमारी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा प्राणी जरूर होता है, कहीं पर भी हो, पर कोई ना कोई ऐसा प्राणी जरूर होता है जिसके सामने कोई कुछ नहीं बोलता लेकिन पीठ पीछे बहुत कुछ बोलते हैं। हमें पीठ के पीछे किसी को कुछ नहीं बोलना, हमें विनम्र रहना है, सुलझा हुआ रहना है, सुलझा हुआ स्वभाव से बड़ी जिम्मेवारियों को आप उठा लेंगे और उन्हें पूरा भी करेंगे। आप अपने विनम्र स्वभाव से कितने भी गुस्सैल आदमी के सामने अपनी बात रख सकते हैं। वहीं अगर आप खुद गुस्से में होंगे, ईर्ष्यालु स्वभाव के होंगे किसी के प्रति, तो फिर आपको ना जिंदगी एक बोझ सी लगने लगेगी और धीरे धीरे आपके इस स्वभाव का प्रभाव आपके आसपास के लोगों पे पड़ेगा। लोग आपकी रिस्पेक्ट करना तो दूर, आपसे बात तक करना पसंद नहीं करेंगे। आपकी वजह से किसी का टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए, आपकी वजह से कोई हर्ट भी नहीं होना चाहिए। तो ये थे खुद की वैल्यू बढ़ाने के 8 तरीके, जिसको अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो लोगों की नजरों में आपकी वैल्यू जरूर बढ़ेगी और साथ में आप अंदर से मोटिवेट फील करोगे। थैंक यू।